आगरा में भारतीय वायुसेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई से एक हॉस्पिटल को गिरा दिया। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन पैराशूट के सहारे जो चीज आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है वो एक हॉस्पिटल ही है। बॉक्स के नीचे गिरते ही हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। नाजरीन, हमारे साइमुल भारत ने मिनी क्यूब हॉस्पिटल इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसके फीचर बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही कमाल के हैं। सिर्फ 12 मिनट में इस मिनी क्यूब हॉस्पिटल को प्लांट किया जा सकता है। यहाँ पर एक साथ 200 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर चलेगा और यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा भाई मिलिटेंट है, बिलाल अहमद मीर, जो कि अभी कमांडर है इस एरिया का। इसके बावजूद भी आया मैं यहाँ वोट डालने, ये उम्मीद रखी कि आपका बाप भी आपके साथ है। हाँ, मेरा बाप भी, पूरी फैमिली मेरे साथ है। 2019 के बाद हालात कैसे हुए हैं? बिल्कुल सर, 2019 के बाद बिल्कुल हालात सही हुए हैं। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम अमन से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। पहले मेंटेनेंस थी? पहले तो थी सर। पाकिस्तानी भी ये मानते हैं, आप सड़क पे चलते किसी पाकिस्तानी से पूछिए, 90% आपको यही बोलेंगे कि कश्मीर आपके हाथ से निकल गया। भारत ने जो हमारा कश्मीर है वहां पे तो बल्ले बल्ले चल रही है। जब से BJP आई ना, जब से BJP की हुकूमत आई है, तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो, पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए, तो साल भर लगता था टाइम वहाँ पर जाकर, साल भर। तो अभी जाकर कोई भी कागज हम ले जाते हैं, किसी कागज को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में खड़ा है और भीख मांग रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण दोस्तों कश्मीर है। ये नहीं है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, सभी झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी आपस में, दे लाई टू ईच अदर, कि हमारे अंदर अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तुम लोग क्या कर लोगे यार? सुभाष शरीफ साहब पहली दफा वजीर आजम बने, ये मैंने बात आपको पहले बताई थी, ही कुडंट ट्रैवल टू चाइना फॉर द फर्स्ट 7 मंथ्स एज ए प्राइम मिनिस्टर। व्हाई? बिकॉज चाइनीज कह रहे थे तब आना हमारे मुल्क में अगर हम पहले हमारे कंपनियों के पैसे भेजो। फिर उन्होंने मेरे ख्याल कुछ 700 मिलियन डॉलर उनकी कंपनियों को दिया था, एंड देन उन्होंने कहा आ जाओ। नरेंद्र मोदी अपनी एक तकरीर में ये कहता है कि पाकिस्तान 70 सालों से हमें डराता रहा, पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब था और हम लोग डरते रहे, यानी पाकिस्तान से खौफजदा होते रहे, लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ में बॉम्ब के बजाय खोरा है और ये पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है, बेकारी को कौन पूछता है? दूसरी बात, हमारा GDP के परसेंटेज ऑफ GDP 1.7% ऑफ पाकिस्तान GDP एजुकेशन में जाता है, इट्स शेमफुल। पाकिस्तान जो टोटल टैक्स इकट्ठा करेगा ना, वो सारा सूद में चला जाएगा, तो उसके बाद डेवलपमेंट कहां से होगी, अवाम पे पैसा कहां से लगेगा, हम दिफाई अखराजात कहां से निकालेंगे। भारतीय वायुसेना ने पहली बार पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म को जमीन पर उतारने का सफल परीक्षण कर लिया है। इमरजेंसी की स्थिति में इस हॉस्पिटल को मुश्किल से मुश्किल जगह पर उतारा जा सकता है, चाहे फिर वो जंग का मैदान हो या फिर भूकंप और बाढ़ से प्रभावित इलाका। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे साइमुल भारत ने इसको डेवलपिंग कंट्री के लिए बनाया है। कहा यह जा रहा है कि फौज का बजट 2,100 अरब और फौज इसके अलावा भी पैसे मांग रही है, वो कहां से आएंगे पैसे? आज मोदी कह रहे हैं कि हमारे हाथों में कटोरा है और हम कटोरा लेकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। नो डाउट पैसे तो मांग रहे हैं और पैसों की हमें शदीद जरूरत है। जहां के ऊपर आप नहीं जा सके, अगर इस तरह की फैसिलिटीज आ जाए तो पाकिस्तान में एक इनकलाब आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले करप्शन खत्म करनी पड़ेगी और इंडिया के साथ दोस्ती करनी। एक खबर ये थी कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के पास जो है फिरने वाले मशकूक इंडियन शख्स को अज़रबैजान के हुकाम ने हिरासत तक में ले लिया, मगर इसकी भी कहीं से तस्दीक नहीं हो सकी कि इनसे कंट्रोल नहीं हुआ सिचुएशन। ये बिल्कुल 100% गवर्नमेंट का फॉल्ट है। तय नहीं हो पा रहा IMF से कि क्या करना है। शबाज जी भागे भागे कभी चीन जा रहे हैं, कभी UAE जा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ गारंटीज की जरूरत है, कुछ लोन की, कुछ पैसों की जरूरत है, वो ना मिला तो IMF का जो तेल लगा हुआ डंडा है ना, उसने वो छतरोल करनी है हमारी, क्या कहां कहां से चीखें निकली हम सोच भी नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत ने इमरजेंसी के लिए एक मिनी पोर्टेबल AI इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बनाया है। आप इस हॉस्पिटल का वहां भी यूज कर सकते हैं जहां लोगों की पहुंच में हॉस्पिटल नहीं होते। 12 मिनट में यह हॉस्पिटल इंस्टॉल हो जाता है और डॉक्टर्स इसमें ऑपरेशन भी आसानी से कर सकते हैं। वही पाकिस्तान के लोग इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को देखकर अचंभित हैं और उनका कहना है, यहाँ तो हमें अच्छे हॉस्पिटल में ही पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है और भारत ने इस मिनी पोर्टेबल हॉस्पिटल में एडवांस फैसिलिटीज दे रखी है।
आपका इस पर क्या विचार है आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। जब आप गवर्नर राज हैं यहाँ पर, अब तो डॉक्टर भी उनको पहले जाते थे 10 बजे से 4 बजे, अब तो गवर्नर साहब क्या हुक्म है कि 9 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में रहो तो रहते हैं बराबर रहते हैं। जो भी मुलाजिम ड्यूटी पर जाता है पहले गया सा वो अंगूठा लगाते हैं तो फिर उनकी हाजिरी हो जाती है, वरना तो जिसको मर्जी था वो आता जाता था। उस वक्त तो ये कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अब गवर्नर जो इनकी हुकूमत है इसमें तो बहुत हमारे काम भी निकलते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो बहुत काम निकलता है। ठीक बोल रहे हैं ये, बताइए साहब। एक्यूरेसी बढ़ गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है। बोल रहे हैं ये पहले मुलाजिम बैठते नहीं थे दफ्तर में, अब बैठने लगे हैं। बिल्कुल सर, जब से बीजेपी आई ना, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए तो साल भर लगता था ये वहाँ पर जाए साल भर। तो अभी जाकर कोई भी कागज हम ले जाते हैं, किसी कागज को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है आजकल। क्यों? आजकल मुलाजिम अपने टाइम पर ड्यूटी आते हैं, काम करने वाले मुलाजिम आते हैं और किसी को रोकथाम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती आजकल। आज एक जैसे हैं सभी, तो आजकल बहुत काम चल रहा है। आपको लगता है यहाँ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जल्दी असेंबली इलेक्शन होंगे तब थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी और बढ़ेगी, कौन जीतेगा तब? अभी सर इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, पहले तो वो तो वक्त ही बताएगा आगे जाकर। हम भी दोबारा आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, और क्या, आप आ जाओ, मैं तो परिवार के साथ घूमने भी दोबारा आऊंगा। हाँ, खुद भी आप देखोगे। बिल्कुल सर, ये ठीक है, अगर आओगे तो आप भी खुद देखोगे यहाँ पर कैसा चलेगा। यहाँ वोट मांगने महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या कोई आए हैं? नहीं अभी आए नहीं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं तो यहाँ अभी आए नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबी। क्या करते हैं शबी साहब? बस अभी बैठा हूँ घर पे। पहले आर्मी में था। फौज में थे? कौन सी यूनिट में थे? जैकलाई में थे। कब रिटायर हुए आप? 94 में। अच्छा शबी साहब, जब हम लोग बुक्स में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों में साउथ कश्मीर में पहले मिलिटेंसी बहुत थी। अभी क्या हालात हैं? अभी तो ठीक है। कैसे ये बदल कैसे गया? ये बदल गया, हुकूमत ने बदल दिया और क्या। पहले बीजेपी ने कर दिया इसका पूरा कल्याण। हाँ, क्या कल्याण कर दिया? मतलब खत्म कर दिया मिलिटेंसी और क्या। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।